हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्टिब्रेटस इज अ सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेट्स। ओके, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, दिस वन इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो चुकी है, हम हैं वर्टिब्रेट्स। आप अपनी बॉडी में ढूंढ लीजिए, आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, है ना। वर्टिब्रल कॉलम में आपकी कन्वर्ट हो चुकी है नोटोकॉर्ड। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब क्या था, नोटोकॉर्ड पहले फॉर्म हुई है, देन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द सेगमेंट्स होते हैं। दैट मीन्स आपका वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है आपकी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आपका वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वर्टिब्रेटास के भी डिवीजन है, टू डिवीजन है, एगनाथा एंड गनाथोस्टोमेटा। एगनाथा जिसके पास जॉ नहीं है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा, जिसका एक एग्जाम्पल था कि सर्कुलर माउथ होता है। एंड नेक्स्ट हमारे गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा में टीथ आर एम्बॉडेड इन द सॉकेट ऑफ अ जॉ। टीथ जो है सॉकेट्स में एम्बॉडेड है। गिनेथोस्टोमेटा की कैटेगरीज को टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक जिनके पास पेयर्ड फिन्स है, दूसरे जिनके पेयर्ड लिम्स है। पेयर्ड फिन्स की कैटेगरी में आपके सारे फिशेज आने चाहिए। एक्वाटिक फिन्स किसके पास मिलेंगे, फिश के पास मिलेंगे। अब पेयर्ड फिन्स की कैटेगरी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कॉन्ड्रिस्थीस एंड ऑस्ट्रिस्थीस। कॉन्ड्रिस्थीस, कॉन्ड्रिच वर्ड जो आया है ना आपका, वो आया है आपके कार्टिलेज से। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे फिशेस जिनका कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना हुआ है, एग्जाम्पल है शार्क। ओके, इस कैटेगरी में बहुत बड़ी बड़ी फिशेज आती हैं आपके। देखने में लगेगा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है तो ये वीक टाइप की होनी चाहिए, नो। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की बोन्स उनकी होती है, और स्ट्रॉन्ग टाइप की कैटेगरी भी है एनिमल्स की, जो कि फिशेज आपको इसमें मिलेंगे। अब कॉन्ट्रिस्थीस है, दूसरी है ऑस्ट्रिस्थीस, जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, बोन का बना होगा। ऑस्टिज वर्ड ही आपका बोन के लिए आता है, ऑस्टियोसाइट्स इस तरीके से। तो ऑस्टिस्थीस आपकी कौन सी वाली है, जो कि बोन का एंडोस्केलेटन जिसमें मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेयर लिम्स की कैटेगरी में। पेयर लिम्स की कैटेगरी में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स यानी कि बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, तो इनके पास आपको पेयर लिम्स मिलेंगे। ओके, कुछ मॉडिफिकेशन है वो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले इसके, एक गिनाथा के बारे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज द गिनाथोस्टोमेटा। गिनाथोस्टोमेटा के अंदर पढ़ेंगे कॉन्ड्रिस्थीस को। कॉन्ड्रिस्थीस को मैंने बताया आपको शार्क। शार्क का साइंटिफिक नेम क्या है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कारकैरोडॉन। कारकैरोडॉन, ठीक है। शार्क कैसी होती है, बड़ी होती है, जिस लाइक अ डॉन। तो आप कारकैरोडॉन के फॉर्म में इसको याद कर सकते हो, इसका साइंटिफिक नेम है। शार्क आपको क्या दिखाई देगी, पेयर्ड फिन्स एंड पेयर्ड। आपको यहाँ पे पेयर्ड और अनपेयर्ड टाइप के, दोनों टाइप के फिन्स मिलते हैं। तो पेयर्ड फिन्स दिखाई दे रहे हैं कुछ, ये देखो, और कुछ अनपेयर्ड फिन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी लाइन मेंशन है ये सारी, कि पैलिकॉइड स्केल्स आर माइन्यूट माइन्यूट स्केल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑस्ट्रिस वाली फिश है, इसकी पूरी बॉडी पे स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्केल्स, ये है स्केल्स। जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, बचपन में भी आप बनाते होगे फिश का डायग्राम, तो ये बनाते हो, तो ये क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। ऐसे स्केल्स आपको स्नेक की बॉडी पे दिखाई देंगे, एप्स बर्ड्स के पैरों में दिखाई देंगे आपको, पिजन में देखा होगा आपने, पिकॉक में देखा होगा, ठीक है। तो ये स्केल्स होते हैं, ये यहाँ पे स्केल्स बहुत माइन्यूट होते हैं। द पैलिकॉइड स्केल्स स्केल्स इज वेरी माइन्यूट, नेग्लिजिबल, ना के बराबर शार्क के ऊपर, है ना। और क्या दिखेगा आपको, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट अगर आप देखो 5 to 6 अप्रॉक्सीमेट मिलेंगे, 5 to 6 गिल स्लिट। ओके, गिल स्लिट के बारे में बता चुकी हूँ, यहाँ से पानी अंदर आता है, एक स्लिट्स दरारे हैं। क्या ये गिल स्लिट्स कवर है, नो, गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय ऑपरकुलम। ऑपरकुलम क्या है, एक लिड जैसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन। ओके, तो ये वाली फिशेज में, कॉन्ट्रेस्टीज वाली फिशेज में ऑपरकुलम आपको नहीं मिलेगा। ओके, और क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा क्लास्पर, जो कि मेल शार्क या मेल वाली जो फिशेज होगी उनके पास मिलेगा आपको, इसको कहते हैं क्लास्पर। ये क्लास्पर क्या काम करता है, ये क्लास्पर जस्ट लाइक अ पेनिस जैसा काम करता है, टू रिलीजिंग द स्पर्म्स। दैट मीन्स, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। और अगर आप देखो यहाँ पे और क्या दिखाई देगा आपको, कॉन्ड्रिस्थीस में सारी फिशेज जो है आपकी पेयर्ड फिश,
की कैटेगरी में जितनी भी फिशेज हैं ऑल आर द पोकिलोथर्मल। पोकिलोथर्मल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल यहाँ पे लिख लो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उनका अंदर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर गिर के बहुत डाउन हो गया, इनका ब्लड फ्रीज कर जाएगा। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इनका ब्लड वार्म हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपनी ब्लड को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। दूसरे हैं आपके होमियोथर्मल के, एक है पोकिलोथर्मल जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, दूसरे हैं होमियोथर्मल जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। कैसे रेगुलेट कर पाते हैं? जैसे कि हम हैं होमोथर्मल थर्मल, तो हम क्या है 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, चाहे बाहर कोई भी टेम्परेचर हो। ठीक है, तो आपका ब्लड इसमें पार्टिसिपेट करता है, आपका होमियोस्टैटिक फंक्शन इसमें पार्टिसिपेट करता है, आपका ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आपका टेम्परेचर बॉडी का 37 है तो 37 ही मेंटेन रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है जब कोई आपको कंडीशन हो, फीवर की कंडीशन हो, कोई आपका इन्फेक्शन की कंडीशन हो। ठीक है, दैट वन इज़ अ डिजीज कंडीशन। अब इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कौन कौन पोकिलोथर्मल है। फिशेस सारी पोकिलोथर्मल है, एम्फीबियंस पोकिलोथर्मल है, के कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स पोकिलोथर्मल है। होमियोथर्मल में आपके कौन से आते हैं? होमो थर्मल में आपके आते हैं एप्स एंड मैमल्स। होमोथर्मल इज एप्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट वन आपके कॉन्डेस्टीज में देखते हैं और क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लास पर मिला है और क्या क्या नहीं होगा यहाँ पे? यहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं मिलता। ये जो बड़ी वाली फिशेज हैं यहाँ पे एयर ब्लैडर इनके पास एब्सेंट होता है। ओके, इनके पास क्या क्या मिलेगा? अब ये वाली है आपकी ऑस्टेसीज वाली फिशेज, छोटी छोटी फिशेज होती है। कॉन्डेस्टीज वाले अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए, कॉन्डेस्टीज के आपको एग्जाम्पल दिखाई देंगे। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो का डायग्राम दिस वन, इस तरीके से होती है टॉर्पीडो। इसको इलेक्ट्रिक ऑर्गन से इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं। इसमें करंट जनरेट होता है, अपने प्रे को खाने के लिए करंट प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए भी करंट का प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ट्राइगोन, ट्राइगोन के पास एक डंक होता है, पॉइजन डंक के, पॉइजन स्टिंग भी इसको कहा जाता है। स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन जिसका जो माउथ होगा दिस वन इज लुकिंग लाइक ए डॉग, उसको डॉग फिश बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी शार्क है कार्कैरोडॉन, और इसके बाद एक और है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस के आगे माउथ में एक छुरे जैसा स्ट्रक्चर लगा होगा। ठीक है, तो प्रिस्टिस, प्रिस्टिस, तो ये सारी कैटेगरी आएंगी आपकी। ऑस्टेसीज में देखोगे, ऑस्टेसीज में पूरी बॉडी में स्केल्स दिखाई देंगे आपको। पेड फिंस तो है ही है, पूरी बॉडी में स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऑपरकुलम, ऑपरकुलम जो मैंने बताया था यहाँ पे नहीं मिलेगा गिल स्लिट को कवर करने के लिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटी वाली फिशेज में। ऑपरकुलम गिल स्लिट को कवर करने का काम करता है बस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इनके पास एयर ब्लैडर मिलते होंगे, यस इनके पास एयर ब्लैडर मिलते हैं। ठीक है, तो इनके पास एयर ब्लैडर मिलते हैं जो इनको ऊपर स्विमिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, और अगर आप देखोगे, हाँ, क्या इनके पास क्लास्पर दिख रहा है? नहीं, इनके पास क्लास्पर्स नहीं मिलते हैं। पूरी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट है, यस पूरी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट है। अब इस कैटेगरी में ना बहुत सारी फिशेज आती हैं आपकी छोटी वाली कैटेगरी में। ये वाली जो कैटेगरी कॉन्डेस्टीज, ये आपको सिर्फ समुद्र में, मरीन वाटर में ही मिलेगी, ओशंस में मिलेगी आपको, पॉन्ड्स में मिलेगी, लेकिन आपको फ्रेश वाटर में कम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना के बराबर। ऑस्टेसीज में आप देखोगे अलग अलग जगह मिलेंगी आपको, कुछ मरीन फिशेज हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं, कुछ एक्वेरियम फिशेज हैं। मरीन फिशेज में आपके आ जाती है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस को ना फ्लाइंग फिश कहते हैं, इसके फिन्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, हालांकि उड़ती नहीं है ये, लेकिन फिन्स इज जस्ट लुकिंग लाइक अ विंग्स, इतने बड़े फिन्स होते हैं कि विंग्स की जैसे आपको दिखाई देंगे। क्या एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश। एंड हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आप जानते हैं दिस वन इज अ दरियाई घोड़ा, देखने में डायग्राम आपको बड़ा लगता है, दैट वन इज अ 2 or 3 inch ओनली। तो हिप्पोकैम्पस हो गया आपका, ये मरीन वाटर फिशेज होगी। नेक्स्ट आपकी जो फ्रेश वाटर फिशेज है, फ्रेश वाटर में आप लेबियो, लेबियो रोहू जो कि खाई जाने वाली फिश है, एडेबल फिश है, सैलमॉन सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फिश है। इसके बाद कुछ एक्वेरियम फिश है, एक्वेरियम फिश के एग्जांपल कैसे लर्न करेंगे? बेटा से, बेटा। ठीक है, ये क्या है? फाइटिंग फिश होती है। अगर एक बार आपने एक्वेरियम में डाल दिया ना, बाकी सारे फिशेज को खाने लगती है, उनसे फाइट करने लगती है, दैट मीन्स। और नेक्स्ट है आपका पेट्रोमाइजोन, वो भी आपकी एक्वेरियम फिश होती है, बहुत सुंदर होती है, इसको एंजल फिश कहते हैं, पेट्रोमाइजोन।
पेट्रो माय जॉन एंजल फिश। तो ये सारी कैटेगरी आपकी फिशेज में आएंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट्स इंक्वायरी आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी नेक्स्ट वीडियोस या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप वहाँ पे भी मुझे वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।